पूरा महला महला भ जाता अहा तो इतना कष्ट है इस पर जब अखंड उपास है सब कुछ के पूरे जगह दो बच्चा के बाद जी। अब यह जो टोकरी है अब इसको भरा जा रहा है फल से और इसमें जो है पांच तरह का फल डाला जाता है। तो पांच तरह के फल का क्या कंसेप्ट है दीदी? वंश बढ़ने का है, जितना फल डाले, फल मतलब होता है कि वृक्ष से फल निकालना। अच्छा, जितना फल डालेंगे भगवान हमारे वंश का उतना रक्षा करे, उतना फल ही तो होगा। अच्छा, तो ये कंसेप्ट नहीं है पाँच फल? नहीं, पाँच फल का कोई बात नहीं, जितना आपको भगवान दिया उतना डालते हैं। और ये मान का पत्ता सबका भी कुछ मान है ना? हाँ, ये हर चीज का पत्ता होता है कि जैसे ये है बांस का पत्ता। हाँ, ये होता है कि जैसे बांस का बीट है, जैसे बीट फैलता है। हाँ, सघन होता है तो बांस भी होता है सघन हो। ये जीएल का पत्ता है। अच्छा, जीएल का पत्ता, ये जल्दी सूखता नहीं है इसे। हाँ, इसी तरह मेरा बेटा अजर और अमर रहे। अच्छा, ये है जीएल, जीएल का पत्ता, ये नीचे वाला। हाँ, ये है मान का पत्ता। मान का पत्ता जो बहुत फैलता है, पसरता है। हाँ, तो इसी तरह मेरा बाल बच्चा रिलेशन फैले। अच्छा, तो हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग का परंपरा है, पूर्वज जैसा किए हैं हम लोग वैसा कर रहे हैं, उससे तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बिल्कुल। हाँ, जैसा माँ बाप को, परिवार को, सास ससुर को देखे वैसा कर रहे हैं। वही परंपरा को निभा रहे हैं, बस वही बात, और कोई बात नहीं है। टोकरी ही इतना छोटा खरीद ली है, मैनेज कर रही है। अब कैसे वो भराएगा देख लो, मिठाई सब तो अटेगा भी नहीं उसमें। तो हमारे घर की बहू का यह कारनामा देखिए आप। पिछली बार भी तो थी जीतिया में, हम नहीं खरीदे थे। कौन मोनू खरीदा था? कौन खरीदा था? डैडी। और हम लोग को ध्यान है जब इसको ढका जाता है ना इस मान के पत्ते से, तो सुबह सुबह एकदम एक्साइटेड रहते थे इसको उघाड़ने के लिए। फलों से भरा जा रहा है पूजा की टोकरी को, तो दोनों हम ही उठा देते हैं। उठ जाए, चलो हो गया। माने किसी तरह जुगाड़ बैठा करके इस टोकरी में भर दिया है, और ना टोकरी तो जिया छोटा उठा करके ले आई थी। अब इसको ढकेगी कैसे मान का पत्ता से? पूरा ढकेगा भी? चलो ऐसे कहाँ देखा है, जी माँ तो अभी मंदिर लेकर के आए हुए हैं और माँ अंदर में पूजा कर रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब बाहर आएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी यहाँ आते हैं माँ को जरूर मंदिर लेकर के आते हैं, और आज तो जीतिया है जी, पर्व के दिन तो कहने की बात ही नहीं है, मंदिर तो आना ही है। भाई रे भतीजबा भोला मामाया, उजरल नैहर बियन बसाय भोला मामाया, उजरल नैहर दियन बसा। जय भारे का कौरी कथी में छठ में। हाँ, छठ में लेना साड़ी एगो खाली सूती बढ़िया। अच्छा, तो हमारा सूती साड़ी खराब होता है 1200 में। तुमको जो लेना है लो, तुमको मना कौन किया है? 1000 की 2000 का दीदी का वही लिमिट है, 1000 2000। अभी दीदी को देख के लगने रहा है कि बरात में, लग रहा है ऊर्जा में है दीदी अभी। नहीं, हमको नहीं दिक्कत है, तीज में भी तुम ठीके से रह गए इस बार। अब बच्चा छठ बड़का पड़ा जा, हमारा चलते के 16 तारीख को फिर तिरदस। हम कह रहे हैं आंटी जो है वहाँ पर नवाटा बैठ के क्या कर रही है, देते हैं आ जाओ यहीं पर। हाँ, तो असकर मन लगे, रेडियो को अच्छा लगे, दोनों गप करते।
अब अहाँ सैर के बुला दे छी पूरा महल्ला महल्ला भए जायत अहाँ तक कल था नहाय के आज है उपवास उपवास तो आज कल है फिर पारण अगला दिन पारण अगला दिन पारण और ये सब करके मतलब दो दिन लगभग व्रत में रह करके परसों माँ निकल जाएगी ड्यूटी पर सवेरे तो यही होता है जी ड्यूटी यही होता है जी नौकरी। तब दीदी जितिया को लेकर के कुछ स्पेशल बनाएगी कि नहीं हमको दे बताते नहीं हम क्या बनाएंगे किया जो बना ले अच्छा ठीक है तुमको ताकत आ जाएगा लेकिन छोड़ो जब तक ताकत आएगा तब तक तुम निकलिए जाएगी अभी जो माहौल इसलिए ना घर में है तो फिर चले जाना बाहर ही ईश्वर से प्रार्थना है हर माँ उपवास में है इसलिए ना कि उसका बेटा अमर रहे इतना कष्ट है इस पर अखंड उपास है सबको लेकिन किसी को नहीं लगता है कि हम सहे हुए नहीं करें नहीं ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर माँ को जितिया नसीब हो और वह अपने जितिया को अपने साथ ले जाए। The next day. नमस्कार जी अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी अभी हम सो करके उठे हैं माँ तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और अब नहाने चली गई है और अभी वक्त आ गया है व्रत के आखिरी स्टेज का अब इसी समय पारण होगा और माँ का व्रत खत्म होगा जितिया का तो जी अब हम जा रहे हैं नहाने और हम नहा करके आएंगे फिर अपना डाली जो है मान का पत्ता से ढका हुआ उस मान का पत्ता को हटाएंगे और इस तरह से जितिया के पारण का जो है आखिरी स्टेज पूरा होगा शुभारम्भ नहीं होगा अंत होगा चलते हैं बहुत इंतज़ार है इसी समय का चलते ही हमारे पर्व का इंतजार करते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है खाने को तो खाएंगे जी वहाँ देखिए पीछे हेलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर माँ कब से बुला रही है आपको से जाओ बुला रही है जा रही है रात में भी लोग खा सकता था अस्टिंग खत्म हो गया लेकिन उतना देर के लिए लोग क्या खाएगा इसलिए कोई खाता नहीं जो सही बात है और जी हम लोग यहाँ पर नहा धो करके बैठ गए हैं और जी अपना फल काट रही है कब ये फल काटना सब खत्म होगा जल्दी से भोग लगे फिर हम भोग लगेंगे इसको इस बार लेकिन दही चूरा के साथ हमको कोई खाजा टिकरी नहीं दिया खाने इस बार माँ वो नहीं लगाता ना जो सुबह सुबह खाया जाता है इसीलिए छठ में जो टाब होता है खूब खाते है हम लोग तो था पैर लेकिन काट तो लोग डाब बोलती है कि टाब अपने तरह टाब डाब बोला जाता है उसको क्या कहते हैं नारियल का तो हम लोग के नानी गांव में पेड़ है खूब नारियल होता है एक केटा से कुत्ता ने पीछे से इतना नारियल ये छी पूजा करके कॉल की होगी हां हेलो खुश रहो डाली उखड़ गई हां तुम्हारे यहाँ कौन डालू तो अथी किया खोला तो पापा की तरफ से तुम ठीक है करो आंटी दादी को प्रणाम ठीक दादी क्या वो एक बार फोन करके क्या बोली माँ कि गलती से लग गया था मैं नहीं कर रही थी हमको फोन कर ली तो हम बोले कि कौन है कि मैं आपको नहीं कर रही थी गलती से लग गया था अच्छा मैं अपने भाई को कर रही थी तुम कहे तुम की क्यों तो मैं छोटी हूँ अगर गलती होगी तो इसके लिए इतना बात क्यों इसमें है रस लेकिन ये जो छिलका है इसमें नहीं है नाक में लगता है आँख में हम लोग लगाते थे छिलका छिल करके ये 6 कुरी लगाने का मकसद ये भगवान जो हमारे अपने इष्ट हैं उनमें महापार्वती सभगवती ये भगवान जी में महा
अच्छा, मेरी माँ, मेरी दादी, अच्छा, ये जो छोटा बड़ा है मेरी खानदानी, ये मेरी सास, ये मेरी अजिया सास। ये प्रसाद खा सकते हैं क्या अभी? ये जो है ना, ये हम अपने वंश में अपनी सास और अजिया सास को चढ़ाए हैं, मेरे वंश का आदमी नहीं खाया, ये दोनों का अलग करो। अच्छा, बाहर में किसी को दे देना है खाने के लिए? दोनों कुड़ी अलग कर लो, उसको मिलाना नहीं है इससे। पूजा करके आते हैं, ये अपने इसको दूसरे थाले में उठा लेते हैं। ये हिस्सा अपने वाला है। हाँ, तो जल्दी से लाओ जी यार, जल्दी से लगाओ। पूजा मंदिर चलो। अच्छा, मंदिर चले पहले, ठीक है, भोग लगाने चल, प्रसाद है। चल रहे हैं माँ को मंदिर लेकर के, माँ मंदिर में जा करके पूजा करेगी, फिर मिलेगा प्रसाद खाने को। माँ का पूजा हो चुका है, तो अब चलते हैं जी घर। और बहुत सारा जिम्मेदारी, अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बच्चा है उसको क्या संभालेंगे, अभी समय है उसको, कोई समय नहीं, सब भगवान दे देने खुशी है, इसलिए कोई समय नहीं, अपना नसीब लेते बच्चा आता है। मेरा बाप कौन कलेक्टर था, तब भी किसी के बाल बच्चे से तो शायद कम नहीं है, किसी डरा डर बुद्धि। क्या वो अपना पानी नहीं पीना है? ये पैसा क्या रखती है उसमें? देंगे, एक आदमी को देंगे, निकाल सब करते हैं। लोग देखा तो बाज में, इसलिए उकड़ी खाने का यही प्रावधान। अच्छा, मतलब निसंतान लोग नहीं रहता जो खाता है। और इस तरह जितिया का व्रत संपन्न हुआ, हो गया ना समापन? अब पानी पी लिए, बात खत्म। हाँ, अब जल्दी से प्रसाद दिया जाए। सबसे पहले इसमें से हम ले लेते हैं ये एक खाजा। अपना ड्राई फ्रूट्स खा गए हो, तो आप बताओ कैसा लग रहा है प्रसाद खा के? प्रसाद खाकर इसी समय का तो इंतजार रहता है। और दूसरे का ये देख सकते हो आप, ये इनका थाली है जो पहले से फिनिश कर चुके थे, हमको दे दिए, और मेरा वाला खा रहे और बोलते हैं क्या तुम हमको ड्राई फ्रूट्स नहीं दी थी प्रसाद में, तब क्या। तो जी, जितिया का पारण अब खत्म हो चुका है और हम अपना प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके यहाँ भी अगर जितिया हुआ होगा तो आपके यहाँ भी अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया होगा। तो जी, बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो, जो हमारा पहला पार्ट था जितिया का, उसको तो आप लोगों ने जी बहुत ज्यादा प्यार दिया, देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, उसके लिए थैंक यू जी। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। तो जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।